अनुशासनिक कमरे के साथ इंद्री की अवैध कॉलोनियों में दस्तक दी। इस दौरान डीटीपी ने करीब 4 घंटे तक अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की। 2 कॉलोनियों में करीब 2 दर्जन से अधिक सड़कों को तोड़ा गया। कॉलोनियों में पहुंचने से पूर्व डीटीपी इंद्री थाना में पहुंचे और करीब 2 से 3 घंटे तक कागजी कार्यवाही की। इसके बाद डीटीपी अजमेर सिंह अपनी टीम और ड्यूटी मजिस्ट्रेट अंग्रेज मोर के साथ लेकर इंद्री लाडवा रोड पर करीब 4 एकड़ में कटी अवैध कॉलोनियों में पहुंचे। कॉलोनी में पहुंचकर टीम ने जेसीबी की सहायता से कई डीपीसी और सड़कों को उखाड़ा। इस दौरान कॉलोनी के निवासियों ने जेसीबी को रोकने की कोशिश की, परंतु पुलिस प्रशासन के आगे उनकी एक ना चली। इसके बाद टीम इंद्रगढ़ रोड पर स्थित करीब 1.5 एकड़ में कटी अवैध कॉलोनी में पहुंच गई, जहां टीम ने करीब 0.5 दर्जन डीपीसी गिराई और सड़कों को उखाड़ गिराया। आज हमने 2 कॉलोनियों पे कार्रवाई की है। 1 लाडवा रोड पे 2-3-4 एकड़ के आसपास थी, उसके जो डीपीसी थी 10-12 वो तोड़ी हैं, और जो मेन एक्सेस है उनका जो रोड ले डाउन थे वो तोड़े हैं। और इसके बाद ये सेकंड वाले ये कॉलोनी थी, ये 5-6 एकड़ में होगी, इसकी भी 10 से ज़्यादा डीपीसी हैं वो तोड़ी है, और इसके जो रोड बने हुए हैं उसको तोड़ रहे हैं अभी। और आगे जो भी आगे की भी कार्रवाई है हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, करनाल डिस्ट्रिक्ट में हमारी इस वीक कंटिन्यू फ्राइडे तक हमारी कार्रवाई है। एक्ट के अकॉर्डिंगली हम पहले नोटिस देते हैं, उसके बाद कार्रवाई करते हैं। जैसे ये पुराने हैं, इनमें हमने पहले दे रखे हैं। कितने नोटिस देने के बाद कार्रवाई करते हो? हम 100 कोस नोटिस, रेस्टोरेशन ऑर्डर, और फिर हम कार्रवाई करते हैं। दो नोटिस के बाद कॉलोनाइजर जो भी, मतलब जिसके नाम भी लैंड ट्रांसफ़र है, जिसने लैंड ट्रांसफ़र लैंड बेची है, सब डिवीज़न किया है, जिन्हें 7-1 की वायलेशन करके जो बेचे हैं, जिनके नाम पे ज़मीन होगी उनके खिलाफ़ FIR होगी। और करवा भी रहे हैं हम इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया हमने 2-3 महीने से कर रहे हैं। हमने अखबार में इश्तिहार दिया है, बोर्ड लगाए हैं, मीन्स फॉलो करेंगे पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि जो अनऑथोराइज कॉलोनी में वो किसी तरह का प्लाट ना लें। अपना नाम? शुभ नाम? मैं जी अजमेर सिंह, ATP हूँ, DTP ऑफिस करना। जो कार्रवाई आई है डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग के द्वारा की जा रही है, मेरे को यहाँ पे एक एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था ताकि किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो, शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके। मौके पर किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं, शांति व्यवस्था से ये कार्रवाई पूरी कर दी गई। तो कितने कार्रवाई? आज इन्होंने एक तो लाडवा रोड पे और एक मटकमाजी रोड पे 2 कॉलोनियाँ ध्वस्त की हैं। जैसे ही ये कार्रवाई करते रहते हैं, टाउन प्लानिंग वालों की ड्यूटी आई है, इनको जो नोटिस की पूरी कार्रवाई करने के बाद फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। जैसे आगे ये अपनी कार्रवाई पूरी करेंगे और हमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करेंगे, किसी को भी मैं हूँ या कोई भी हो, तो अपनी कार्रवाई हम पूरी करवा देंगे। हमें कोई रजिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया गया। हमारी सरेआम रजिस्ट्री 1 साल पहले हुई है, और अगर मैं 5 मरले प्लाट लेटता हूँ तो उसमें गन्ना गेहूँ थोड़ी बोऊंगा, अपनी रिहायश के लिए बनाऊंगा। उस टाइम हमें क्यों नहीं बताया गया कि नाजायज कॉलोनी है? उस टाइम हमारी रजिस्ट्री क्यों नहीं करी, क्यों करी गई है? हमारे से फीस क्यों ली गई है? इसका जवाब कौन देगा, सरकार या महकमा या कोई अफसर? हमारा 2 लाख नुकसान हुआ मेरा, इसका जिम्मेवार कौन बनेगा इस टाइम जी? इसका जवाब कौन देगा मुझे? तो कितने मरले की? 5 मरले की रजिस्ट्री मेरी। तो जी कितने की फीस? हाँ जी, कितने फीस थी? मेरी फीस इसमें वो जो गवर्नमेंट फीस थी सारी दे रखी, मेरे कागज मेरे पास डॉक्यूमेंट है सारे इसके। हाँ जी, कितने? मुझे याद नहीं, मेरे डॉक्यूमेंट पड़े सारे इसके, मैं दिखा सकता हूँ उसके लिए जी। तो उस टाइम रजिस्ट्री करने वाले अफसर ने क्यों देखा कि 5 मरले में गन्ना बोएगा, खेती करेगा, क्या करेगा, मकान बनाएगा? उस टाइम मेरी रजिस्ट्री क्यों की इन्होंने? मुझे इसका जवाब चाहिए। तो अब मेरे साथ कौन भरेगा इस चीज़ का जी? तो आपको नोटिस दिए गए? नहीं जी, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.